हेलो फ्रेंड, मैं रंजीत आज आपके लिए लेके आया हूँ साइंस से रिलेटेड एक टॉपिक। आज हम बात करने वाले हैं कि ये फंगल डिजीज कौन कौन से हैं, तो इसको हम ट्रिक के माध्यम से देखेंगे कि कवक से होने वाले रोग कौन कौन से हैं। इसके बारे में जो हमारी ट्रिक है, ट्रिक काम करेगी, वो है गंजा दमाद खाए फूट। ये है हमारी ट्रिक जो कि आप याद कर सकते हैं काफी आसान भाषा में। तो हम लेके आए हैं तो गंजापन जो कि हेयर फॉल वगैरह होता है, जो हेयर फॉल होता है फ्रेंड, ये भी कवक से होने वाला एक बीमारी है। वहीं अस्थमा जो कि है रिस्पायरेटरी से रिलेटेड है ये फ्रेंड, अस्थमा ये भी आपके फंगल इन्फेक्शन से ही होता है फ्रेंड। दांत जो कि है रिंगवार्म फ्रेंड, रिंगवार्म जो होता है आपको काफी ज्यादा बरसात के मौसम में देखने को मिलेगा फ्रेंड। दांत खाज खुजली जो वगैरह होती है ये भी आपको फंगल इन्फेक्शन की वजह से होता है। खाए जो है खाज खुजली जो है इचिंग वगैरह जो होता है फ्रेंड, ये भी इचिंग वगैरह फ्रेंड जो है ये भी कवक से ही फैलने वाली फंगल डिजीज ही है फ्रेंड। फूट के मतलब कि एथलीट फूट मतलब कि हाथी पांव जिसे बोलते हैं, एलिफेंट फूट जिसे बोलते हैं, हाथी पांव, फलेरिया वगैरह जो होता है फ्रेंड, ये भी फंगल डिजीज से होने वाली बीमारी है फ्रेंड। तो वीडियो यहीं तक फ्रेंड, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए फ्रेंड। थैंक यू फ्रेंड।